1, 2, 3. Let's go. Hi everyone, welcome to my new blog. Hello. Today we are going to Puri just for a small trip, small vacation trip. Puri जाएगी ना, चलो. Okay. ये हमारा पैकिंग हो चुका है पूरा. Our bags are packed. Now we are waiting for our auto. तो आज जो हम जर्नी करेंगे वो हम करेंगे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से, जो कि अपने निर्धारित समय से तकरीबन एक घंटे लेट चल रही है. अब बस हम सिर्फ निकलने ही वाले हैं स्टेशन के लिए. तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट स्टेशन पे. बाय बाय. कहाँ चली गई? तो अब हम ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं. अभी 8:40 हो रहा है. अभी भी ट्रेन आने में आधा घंटा बचा है. ये मेरा फ्रेंड नीरज और उसकी वाइफ, और ये उसका छोटा सा बेबी है. तो हम लोग की जर्नी यहीं से अब शुरू होती है. हमारा जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी. अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे. यहाँ देखो यो करो यो. अब हम अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जो कि तकरीबन आधा घंटा और लेट है ट्रेन में. सोनू हम लोग कहाँ जा रहे हैं? निश्चित यहाँ देखो सुनो और कहा परेशान कर रही है. दस बज के 7 हो चुकी है, बट अभी भी अनाउंसमेंट हो रही है कि ट्रेन आने वाली है. तकरीबन 2 जो है हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है. देखिए और कब तक आती है. फाइनली ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एंटर कर रही है. हमारी जो B2 कोच है वो पीछे से शायद पीछे तरफ है. ये रहा B2 कोच जिसमें हमारा टिकट बना है. अब हम जाएंगे ट्रेन के अंदर. चलो सीट खाली है, ये हमारा सीट है. ले पकड़ ले इसको. साइड लोअर और एक 70-71. बस यही हमारा सीट. क्लीनिनेस का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा गया है. बाबू से पूछो मोमो खाए की. तो
लिए ट्रेन आ चुकी है, तकरीबन अढ़ाई घंटे ट्रेन लेट है। अब देखते हैं जो सुबह हमें 5 बजे पहुंचने वाले थे, सुबह कितने बजे? 2 नहीं, 8:10 अब देखते हैं सुबह हम लोग कितने बजे तक पहुंचते हैं पूरी। तो हमारे ये जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है, टाटानगर जंक्शन से हमारी ट्रेन जो है रवाना हो रही है। अब हम ट्रेन में अपना सफर शुरू कर चुके हैं और खाना वाना खाने के बाद अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ सोना है। कौन कहाँ सोएगा वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, देखते हैं कहाँ सोते हैं। वो उसका अलग ही लेवल है ना, ऊपर नीचे लगा हुआ है। वेरी गुड गर्ल। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, ट्रेन तकरीबन 3 घंटे लेट हो चुकी है। अब देखिए कब तक पहुंचते हैं, जस्ट अभी ट्रेन कटक क्रॉस की है। फ्रेंड्स ये हम भुवनेश्वर जंक्शन पहुंच चुके हैं, यहाँ से तकरीबन और 1.5 घंटे लगेगी पूरी पहुंचने के लिए। चल भाई ट्रेन जल्दी जल्दी पहुंच जा यार। तन्नु हम लोग अब खुर्दा रोड जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं, तुम लोग कॉल किए तो उठाई नहीं कॉल। ये लड़की रात को 1 बजे सोई है बट अभी तक इसका सुबह नहीं हुआ है और अब हम पूरी पहुंचने वाले हैं। अब इसको अब उठाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। चनु गुड मॉर्निंग चनु। तो फाइनली अब हम पूरी पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल की ओर, जो कि हमारा ऑलरेडी पहले से प्री बुक्ड है, होटल पार्क लागून। कहाँ से एग्जिट? हम लोग आगे निकल गए और ये लोग पीछे ही रह गए थे। तो अब हम पूरी स्टेशन पहुँच चुके हैं, यहाँ से अब अपने ऑटो करके निकल रहे सीधे होटल की ओर। अपने होटल तक पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे बस सब चेक इन करेंगे। हमारा जो ये होटल है ये होटल पार्क लागून है, ये होटल मेफेयर बीच के बगल में है जस्ट, और यहाँ पे पर डे का रूम रेंट जो पड़ा मुझे लगभग 1350 ड्यूलक्स रूम पड़ा विद एसी, बेस्ट है। हाँ साइट जो है वो अगोड़ा ऐप से बुकिंग करवाए थे मैंने। लिफ्ट बहुत ही कंजेस्टेड है बट होटल ठीक ठाक है। फर्स्ट फ्लोर पे जाकर हम लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए थे, अब वापस जाना पड़ रहा है फर्स्ट फ्लोर। तो ये है हमारा रूम। अच्छा बताइए इधर आ। सुनो रूम का नंबर नहीं दिखाने का। रूम ठीक ठाक है, अच्छा है, 1350 जो पड़ा है इकोनॉमिकल प्राइस है और इस पे एसी वगैरह सब कुछ है। बीच व्यू नहीं है बट ठीक है, बीच यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है और
आपको पूरी के जो है व्लॉग्स आपको आने वाले वीडियोस पर आपको जरूर दिखेंगे, तो आप वीडियोस को जरूर देखिएगा। और जो इस मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया करके हिट लाइक्स एंड सब्सक्राइब। बाय बाय छनू।